कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे असम में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आएं। उन्होंने ट्वीट किया कि पूरे देश असम के साथ है। असम के लोग अपने साहसी स्वभाव से इस मुसीबत का डटकर सामना कर रहे हैं और इस आपदा से उभर जाएंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील है कि हर संभव मदद का हाथ बढ़ाएं। असम में अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि राज्य के 28 जिलों में करीब 36 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। आपको बता दें, अधिकारियों ने बुलेटिन में कहा कि इस साल राज्य में बाढ़ और भूस्खलन में जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 102 हो गई है। 76 लोगों की मौत बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में हुई है, जबकि 26 की मौत भूस्खलन में हुई है। देश में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 34,884 नए मामले सामने आए हैं और 671 लोगों की मौत हो चुकी है। यह लगातार दूसरा दिन है जब देश में पिछले 24 घंटे में 34,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या 10,38,716 हो गई है, जिनमें से 3,58,692 एक्टिव केस हैं और 6,53,751 लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। अब तक कोरोना वायरस से 26,273 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ICMR के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3,61,024 सैंपल्स की जांच की गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लगभग 3 महीने के लॉकडाउन, यूपी सरकार के तमाम दावों के बावजूद यूपी के 25 जिलों में जुलाई महीने में कोरोना के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। यूपी के 3 जिलों में 200%, 3 में 400% और 1 जिले में 1000% से ऊपर की उछाल आई है। प्रियंका ने आगे कहा कि खबरों के अनुसार प्रयागराज में 70% संक्रमित लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के 48 घंटे के भीतर ही मृत्यु हो गई। हमें इस बात का डर था, इसलिए शुरू से ही हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस संदर्भ में सकारात्मक सुझाव देते हुए अधिकतम टेस्टिंग की बात उठाई थी। आज ही विकराल रूप टेस्टिंग पर ध्यान न देने, रिपोर्ट में देरी होने, आंकड़ों की बाजीगरी करने व कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर ध्यान नहीं देने की वजह से हुआ है। यूपी सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। बिहार में रेल हादसा हुआ है। खबरों के अनुसार पटना से रांची के लिए जा रही जन शताब्दी एक्सप्रेस के सामने एक कार आ गई। ट्रेन और कार के बीच हुई इस टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद रेल यातायात बाधित है। रेलवे के तमाम अधिकारी घटना स्थल पर मौजूद हैं।